सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहा है यार यूट्यूब वीडियो पर, क्या करूँ। कमेंट कर रहे हो कभी किसी के नीचे कमेंट, कभी किसी की वीडियो के नीचे कमेंट, मत करो यार। बहुत सिंपल तरीका है, बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए आए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपके पास मिल जाए। तो यार सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हो, आप किस नए यूट्यूबर हो तो यार अपने सब्सक्राइबर जो है उनको आप हाइड नहीं करते हो, और जिसका आपको सबसे बुरा बेनिफिट ये मिलता है कि आपके चैनल पर कोई भी व्यूज़ नहीं आता, सब्सक्राइबर नहीं आता। चलो 1% मान लेते हैं, व्यूज़ भी आ जाते हैं पर कोई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। तो यार लोगों के मन में क्या है, एक थिंकिंग बन जाती है कि यार ये जो बंदा है इसके कम सब्सक्राइबर हैं। वो ये नहीं देखते कि नया बंदा है या पुराना है, तो उनके मन में एक थिंकिंग बन जाती है कि इसके सब्सक्राइबर कम हैं। और तो यार वो सिंपली बात है, आप भी हो तो आप भी उसके चैनल को सब्सक्राइब करोगे जिसके सब्सक्राइबर ऑलरेडी ज़्यादा हैं, मतलब लाखों में हैं या 35,000-36,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो यार ऐसे में वो क्या करता है, जो बंदा आपके चैनल पर विजिट करता है वो आपके चैनल पर व्यूज़ तो देता है, व्यूज़ तो आपके चैनल पर आएंगे, पर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर इसीलिए ही नहीं बढ़ते हैं क्योंकि आप अपने सब्सक्राइबर को शो करके रखते हैं। तो और हाइड कैसे करना है मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरी देखना। चलो हाँ, तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा सब्सक्राइबर हाइड करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको इसमें थ्री डॉट दिख रहे हैं, थ्री डॉट पर एक बार टैप करना होगा। उसके बाद में आपको ये जो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा है जिसके सामने एक स्क्वायर बना हुआ है, उसको टैप कर देना होगा। तो मैं इसको टैप कर देता हूँ तो यहाँ से पूरा डेस्कटॉप वाला सीन आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, जो यूट्यूब है वो यूट्यूब का अपना अकाउंट इसमें लॉग इन कर देना होगा, गूगल के अंदर क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर देना होगा मतलब। तो यहाँ से हमारा यूट्यूब का जो अकाउंट है वो लॉग इन हो चुका है, इतना तो वॉइस बेसिक से सभी जानते होंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपके चैनल का लोगो है उस लोगो पर एक बार टैप कर देना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर लेना है। क्रिएटर स्टूडियो ओपन होते ही आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि दोस्तों आपको चैनल जो दिख रहा है साइड में, डैशबोर्ड, वीडियो मैनेजर, लाइव स्ट्रीम, कम्युनिटी, और इसके नीचे जो दिख रहा है वो है चैनल का ऑप्शन। तो आपको इस चैनल वाले पर टैप कर देना है एक बार। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। तो यार आपको क्या करना होगा, कुछ सब कुछ अवॉइड कर देना होगा। उसके बाद आपको जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है एडवांस्ड, तो इस पर आपको एक बार टैप करना होगा एडवांस वाले पर। एडवांस पर टैप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हमारे चैनल का कुछ भी, मतलब जो अबाउट सेक्शन वगैरह जो भी हम भरते हैं वो सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से आपको स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद अब मेन बात आई है, यहाँ पर आपको लिख रहा है सब्सक्राइबर्स काउंट्स। तो यार बहुत ही सिंपल काम है, यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसका मतलब ये है कि लोगों को आपके सब्सक्राइबर दिखाए जाएं डिस्प्ले पर, जो भी स्क्रीन है आपके चैनल की तो उस पर आपके सब्सक्राइबर दिखाए जाएँ। तो आपको क्या करना होगा, उसके सामने देखो ब्लैक वाला डॉट लगा हुआ है, तो आपको सिर्फ इसके अपोजिट करना है जिस पर नीचे इसके जस्ट नीचे जो लिखा हुआ है डू नॉट डिस्प्ले द नंबर, तो आपको इस वाले पे टैप कर देना है। तो डू नॉट डिस्प्ले द नंबर पे एक बार आप टैप कर देंगे यहां से, और टैप करने के बाद आपको यहां से सेव कर देना है। तो बस दोस्तों इतना ही था, और अब आपके सब्सक्राइबर हाइड हो चुके हैं बिल्कुल ही, अब आपके सब्सक्राइबर को कोई देख नहीं पाएगा। और इस तरह से अगर आप अपने चैनल का थोड़ा बहुत भी अगर जो सेटिंग है उनको सीख जाओगे, बेसिक सेटिंग्स, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। वीडियो कॉन्टेंट अच्छा डालते रहिए यार, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कीजिए। देख ली वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी ना तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर छोड़ देना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ना, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। शेयर करो या मत करो वो आपकी मर्ज़ी, पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। बहुत ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ हाई क्वालिटी की।